हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल रियल वैकेंसी है और इसके बहुत ही लास्ट डेट बहुत करीब है, इसलिए मैं आपके लिए एक बार फिर से ये वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने अपने चैनल पर ये वीडियो डाल दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कितनी टोटल पोस्ट हैं और इसकी फ़ीस क्या लग रही है, अंतिम डेट क्या है, लास्ट डेट जो भी है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अंडर द प्रोग्रेस ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 डायरेक्टर कंबैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो वैकेंसी है दोस्तों ये DRDO में CVRDE की है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर डिटेल बिलो। ठीक है, तो ITI वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो ITI के बाद अप्रेंटिस करने जा रहे हैं कहीं भी, तो उनके लिए इससे अच्छा मौका कोई और नहीं है, क्योंकि DRDO से वैकेंसी अप्रेंटिस करने का मतलब है आपका एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट की, पोस्ट कितनी है, किस ट्रेड के लिए। यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो कारपेंटर के लिए जो है दो पोस्ट हैं, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 23 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन के लिए 5 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 20 पोस्ट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके लिए 2 पोस्ट हैं, फीटर के लिए 33 जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं यहाँ पर फीटर वाले बच्चों के लिए हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं रोज़ फीटर वाले बच्चों के लिए नए नए वीडियोस लेके आता हूँ इसी चैनल पर, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मशीनिस्ट के लिए 11 पोस्ट हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 5 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए 2 पोस्ट हैं, प्लम्बर के लिए 2 हैं, टर्नर के लिए 5 पोस्ट हैं, वेल्डर के लिए 6 पोस्ट हैं। टोटल जो हमारी पोस्ट हो रही हैं दोस्तों 116 ट्रेड अप्रेंटिसशिप में लिए जाएंगे। ठीक है, 116 पदों की भर्ती है। बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड हैव पास आउट फ्रॉम द ITI ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT। NCVT से आपका ITI कंप्लीट होना ज़रूरी है, कई लोग नहीं बता रहे हैं इस बात को। ठीक है, इस पर नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप विद मिनिमम 2 ईयर, ठीक है, 2 साल का आपका ITI किया हुआ जरूरी है, एक्सेप्ट फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंट पेंटर प्लम्बर एंड वेल्डर। ठीक है, 2 साल का आपका ITI होना कम्प्लीट है NCVT से। अगली हम बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपकी ली है इन्होंने वो ली है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट जो लिए हैं दोस्तों वो अलग अलग कैटेगरी साइज अलग अलग हैं। जनरल वालों के लिए 27 है, OBC के लिए जो है 30 है, ठीक है, SC और ST के लिए 32 है, 32 हैं, ठीक है, PWD के लिए 37 हैं। ठीक है, तो 18 साल से हैं आप, जनरल वाले 27 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ITI कैंडिडेट ऑन NCVT MIS पोर्टल इज मैंडेटरी। तो दोस्तों ये जो आपका जो NCVT MIS पोर्टल है उस पर आपने अगर अप्रेंटिस वाला, वहाँ पर अप्रेंटिस वाला एक रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं किया है तो उसको जल्दी कर लीजिए, उसके बाद ही आपका ये फॉर्म भरने में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग पास्ट इन द ईयर ऑफ 2017-18 और 2019 आर ओनली एलिजिबल। तो मैं आपको बता दूँ ये बात भी कोई नहीं बता रहा है, जिसने 2017 में ITI कंप्लीट किया है, 18 में ITI कंप्लीट किया है और 19 में ITI कंप्लीट किया है, ये तीन ही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों DRDO CVRDE में। ठीक है, और अगर आपको ITI 2016 में कंप्लीट हुआ है, 15 में हुआ है या 14 में हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप खास ध्यान रखें, 17, 18 और 19 में अगर आपका ITI कंप्लीट हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
अगला दोस्तों इसका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन हम देख लेते हैं। तो 1 ईयर 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। और आपको जो पर मंथ दी जाएगी सैलरी वो है कोपा पेंटर और प्लम्बर वालों के लिए 7700 रुपये, ठीक है, यानी कि आपको 7700 रुपये पर मंथ इसमें मिलने वाले हैं। और अदर जो भी ट्रेड्स वाले हैं उनको 8050 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो रहेगा दोस्तों, आपको टेस्ट देना होगा, एक इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। वो कहाँ पर होगा? CBRTE चेन्नई फॉर ITI अप्रेंटिस एज पर डेट स्टैंड मेल एंड SMS, ठीक है। आपको मेल और SMS से एक डेट दे दी जाएगी, उस पर आपको इंटरव्यू और अपना एक टेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। देखते हैं हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपको साइट पर जाना है, ठीक है, साइट पर जाने के बाद वहाँ अप्लाई नाउ करना है, आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। और दोस्तों इसकी खास बात मैं बता दूँ आपको, इसकी लास्ट डेट जो है उन्होंने किसी तारीख में नहीं दी है, वो इन्होंने दी है 21 दिन बाद, ठीक है, जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ उसके 21 दिन बाद, यानी कि पूरे आपको 21 डेज़ का टाइम मिल रहा है इस फॉर्म को भरने का, ठीक है। तो नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के 21 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, भर दीजिए जाकर के इस फॉर्म को। और इसकी लास्ट डेट वैसे मैं बता दूँ आपको, 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट आ गई है, ठीक है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज ऑन दी 3 अप्रैल समथिंग इसकी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, जाइए अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को, बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। TRDO से अप्रेंटिस करना एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप अप्रेंटिस करना ही चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।